26 जनवरी के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ बहुत दुख के साथ एक बात कहूंगा कि एक तरफ जहां देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी की खुशी में, वहीं पर केंद्र की मोदी सरकार शहीदों का अपमान कर रही है। अमर शहीदों की याद में जलाई जाने वाली अखंड अमर ज्योत जो गेट ऑफ इंडिया पर बरसों से जलते आ रही थी, ये अहंकारी मोदी सरकार ने इसको बुझा दिया गया है। इनका दिल इतना ही नहीं, देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा जो वहां थी वो भी हटा दी गई है। हम सब देशवासियों के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि इतना जुल्म और इतना शहीदों के साथ ये लोग कर रहे हैं और पूरा देश सो रहा है, किसी ने इस पर चिंता तक नहीं जताई। लेकिन मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और इस सरकार का पुरजोर विरोध करता हूं। जिस तरीके से जिन लोगों ने हमारे देश के लिए शहादत दी है, देश की कुर्बानी दी है, ये बीजेपी की सरकार, ये मोदी सरकार इस देश के इतिहास को बदलना चाह रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि बरसों पुरानी इन शहादत की चीज़ों को हटा के शायद ये देश का इतिहास बदल देंगे। लेकिन इन लोगों को ये नहीं मालूम कि यहाँ की एकता और अखंडता ही हमारी शान है, और आने वाला वक्त बताएगा 2024 के अंदर ये देश की जनता एक साथ होकर इन्हें सबक सिखाएंगी। और शहीदों की जो ये बार बार अवमानना कर रहे हैं, चाहे पुलवामा हो चाहे इस तरीके की ये घटना हो, इसका 2024 में जनता इन्हें गद्दी से उतार के सबक देगी। धन्यवाद।